ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का घर है, जो कि रिश्ते में हमारे चाचा लगते हैं। जी। तो ये यहाँ पे उनके पूर्वज रहा करते थे, अब वो खैरा सैन में निवास करते हैं। बोलियो ना वांदो जा बना मना जी अब जब बोला टीवी ऑन चेयर फोटो ला इन दिखावे मिल वाले इन बोला हल्दू जानू छुरे लोड। ले ले ले। नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। और मैं करने जा रहा हूँ कोटद्वार से अपने व्लॉग की शुरुआत। हम जा रहे हैं आज साथियों जैरीखाल ब्लॉक के लवाड़ गांव में, वो दुदार खाल की तरफ को, दुदार खाल की साइड। और मेरे साथ हैं मेरे अजीज बिमल सुयाल जी। हेलो सुयाल जी। हेलो। हमारे साथ हैं सुयाल जी, और सुयाल जी भी आज मेरे साथ जा रहे हैं काम पे। और ये देखिए सुंदर सुंदर नज़ारे, सोना नदी। ये जो नीचे नदी है इसको, नदी को कहते हैं हम सोना नदी। पता नहीं सोना मिलता होगा चाहे नहीं मिलता होगा, पर सोना नदी है। साथियों इस समय है ठंड बहुत ज़्यादा, और सियाल जी तो बन रखे हैं पूरे के पूरे पैक। सियाल जी हो रखे हैं इस समय पैक, और मेरे को भी होना पड़ेगा। ये मंकी कैप है, और मंकी कैप पहनता हूँ, बाद में दिखाता हूँ आपको कि किस प्रकार से लगूँगा। साथियों अब मैं हो गया हूँ पैक, और मंकी कैप में पूरा का पूरा बंदर लग रहा हूँ ये। तो क्या करें, सेफ्टी भी ज़रूरी है, ठंड का समय है, सुबह सुबह का समय है, बहुत ठंड लगती है। और अब इसके ऊपर हेलमेट पहन लेंगे और ग्लव्स पहन लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से था मैं। अब हम थोड़ा गुमखाल के नीचे आ गए हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा आराम करते हैं। यो बाल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुके हैं ऐसे, हट। पर क्या करें, या तो बाल देख लो या तो ठंड देख लो। तो सियाल जी कैसे रही हमारी ड्राइविंग? बहुत अच्छी। अच्छा, और ड्राइविंग ठीक करता हूँ मैं? ड्राइविंग बहुत अच्छी करते हैं हमारे दीपक जी। और इस समय हम जो है गुमखाल से आगे निकल चुके हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत। अभी हमको दो गाँव में जाना है और वाटर टेस्टिंग सिखानी है गाँव वालों को। बिल्कुल। और इस समय थोड़ा ठंड लग गई है, धूप सेक रहे हैं मैं और दीपक भाई। चलिए दोस्तों मैं आपको नीचे सतपुली का इलाका दिखाता हूँ, वहाँ पूरा का पूरा कोहरा लगा हुआ है, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जहाँ पर ये जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये शिवालिक श्रेणी में आ जाते हैं। और वो सामने जो पहाड़ आप हिमालय देख रहे हैं, वो जो आप हिमालय देख रहे हैं, ये आ जाता है महान हिमालय के अंतर्गत। तो ये आपको शिवालिक श्रेणी, और ये आपका महान हिमालय हमारा। अब हम पहुंच गए हैं सतपुली चौहान लॉज में, और यहाँ पर गर्मा गर्म करते हैं नाश्ता, फिर चलते हैं आगे की ओर अपने काम की तरफ। ये आज का हमारा नाश्ता, चाय, पराठे, चटनी और अचार। तो खाते खाते यहाँ पर हमारे साथी भी आ गए हैं, ये है बमोला जी और हमारे पांथरी जी, जो कि अब हम बाइक करने वाले हैं। ये खड़ी सर, बाइक करने वाले हैं हम खड़ी हैं चौहान लॉज में, और हम जाएंगे अब गाड़ी से। तो चौहान लॉज में आज नाइट स्टे करना है हमको, फील्ड में जाएंगे अभी और फिर वापस रात को यहीं आना है। तो कमरा हो गया है, और उसके बाद जल्दी से हम यहाँ पर हाथ मुँह धोते हैं और फिर चलते हैं काम के लिए। या चल गए हम यहाँ से सतपुली से अब अपने क्षेत्र की तरफ जहाँ हम जा रहे हैं। और सियाल जी सामान सारा रख दिया हमने, है देख लो भाई, अभी रुक जाओ। नीला बैग है देखो, पक्का वीएपी है उसमें, और रिसीविंग किट, और रिसीविंग वाला तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं चलने से पहले कि हमारे पास सब कुछ साजो सामान है कि नहीं है। कई बार भूल जाते हैं कुछ सामान, कई बार जो है कि कई सामान छूट जाता है, तो वो सब देखना पड़ता है कि हम कोई सामान भूले तो नहीं है।
और चलते हैं दोस्तों, अब फिर आगे का थोड़ा सा नजारा दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं लवाड़ गांव में, और ये लवाड़ गांव का रोड, ये नीचे तल्ला लवाड़ और ऊपर मल्ला लवाड़। ये देखिए यात्री सेट ग्राम लवाड़ वल्ला, और ये गेट स्वर्गीय श्री सूबेदार प्रेम सिंह रावत ग्राम लवाड़ मल्ला सौजन्य से ग्राम प्रधान श्रीमती लता देवी। बस थोड़े ही देर में अभी यहाँ पर थोड़ी एक छोटी सी मीटिंग करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। यहाँ पर दो गांव में किट वितरण कार्यक्रम है, एक तो वल्ला और पल्ला, लवाड़ वल्ला और लवाड़ पल्ला। लवाड़ में काफ़ी अच्छा रेलिंग, ये देखो सुरक्षा दीवार या सुरक्षा रेलिंग हम बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। आप करेंगे अक्षार्यता। अक्षार्यता का मतलब क्या होता है? नमकीनपन या कड़वापन, ठीक है, ये खारापन बोलते हैं जिसको। हर टेस्ट के बाद में हम जो है जिससे भी हम तो यहाँ पर थे हमारे ग्राम प्रधान और जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो ये फील्ड टेस्ट किट है हमारी, जो जल संस्थान के माध्यम से वितरण की जा रही है, सहयोगी संस्था आस्था सेवा संस्थान के माध्यम से ये किट ग्राम प्रधान जी के यहाँ पर जो है कि ग्राम प्रधान के सुपुर्द हमने कर दी है। और ये कार्यक्रम यहाँ पर आज था, छोटी सी एक गोष्ठी की गई यहाँ पर, और इसके बाद चलते हैं आगे, आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा सा। बॉडी क्या करना चाहिए? बॉडी वीडियो बना ले। इन बोला हल्दू जानो छो। बोलियो और क्या ने बोली? किचन बोली मल वो छे हल्दू बोलियो ने हल्दू जा बना मला जी। अब देखो ना टीवी ना तेल फोटो ला इन दिखावे मिल वाले। इन बोला हल्दू जानो छो रे लोड़ा। हां हां जा 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 साथियों, इस गांव से हो रही है रवानगी, और मुझे अभी अभी पता चला है कि ये जो गांव है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ये गांव है, और मैं आपको उनका घर दिखाता हूँ। छोटे यहाँ के लोग कहते हैं जब वो छोटे थे बोला इसी घर में रहा करते थे। तो साथियों यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं धीरज सिंह रावत जी, जो कि इस गाँव के निवासी हैं, और जो ये पीछे देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी का ये घर है, और जानेंगे इनसे कि यहीं रहते थे मुख्यमंत्री जी या क्या, जो भी है जो कुछ है इनसे जानेंगे। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का घर है, जो कि रिश्ते में हमारे चाचा लगते हैं। जी जी जी। तो ये यहाँ पे उनके पूर्वज रहा करते थे, अब वो खैरासैन में निवास करते हैं। अच्छा, खैरासैन में रहते हैं? हाँ, खैरासैन में रहते हैं। तो उनके मम्मी पापा मतलब यहाँ रहते हैं? मम्मी पापा के टाइम पे रहते थे यहाँ पे वो। अच्छा, मतलब उनके पूर्वज रहते हैं यहाँ पे, पूर्वज रहते थे पहले, अब तो रहते नहीं है। और ये चार पांच भाइयों में कम्बाइंड मकान है ये। अच्छा, इस मकान की दुर्दशा इसीलिए हो पाई है कि ये अकेले का होता शायद बन जाता ये। जी जी जी। इसको चाचा जी ठीक करा देते, मतलब मुख्यमंत्री साहब। जी जी जी। तो बहुत ये देखिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ये पूरा आप मकान देख सकते हैं। ये तिवारी हमारी जो पुश्तैनी हमारी तिवेरियाँ होती थी, इस तरीके से मकान है ये नीचे और ऊपर। अराज देखिए वीरान पड़ा हुआ है, खंडर पड़ा हुआ है। बिल्कुल लगेगा सर, हमें भी खुशी होगी। हाँ, क्योंकि गांव के बीच में है ना मकान ये। जी जी जी। अजीब सा उजाड़ सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है गाँव में। जी जी जी। अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगेगा गाँव को भी। जी, एक यादगार, उनकी याद मतलब पूर्वजों की यादगार बनी रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए धीरज सिंह जी यहाँ पर जो हमारे साथ हैं, उन्होंने कितना अच्छा एक वो उदाहरण दिया है कि अगर जो है कि एक ये जो मकान है, जो ये पूर्वजों का मकान है पूर्व मुख्यमंत्री साहब का, अगर बन जाए तो कितना अच्छा लगेगा। सारे मकान आगे और पीछे बन चुके हैं, बहुत अच्छे मकान हैं, और उनके बीच में एक उजड़ा हुआ मकान अगर लग रहा है तो ये
अच्छा नहीं लग रहा है ना साथी। तो इसी प्रकार से नई नई गांव घूमता रहूँगा और नई नई जानकारियाँ आप लोगों को देता रहूँगा। तो ठीक है सर, आपके गांव से अलविदा ले रहा हूँ इस आशय के साथ कि फिर आऊँगा, फिर कभी मुलाकात होगी आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बिल्कुल जरूर जरूर रावा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गाँव में बहुत सहयोग किया हमारा, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। अब लोहाड़ गांव को करते हैं अलविदा और अब चलते हैं सीधा सतपुली जहां हमने रात को रुकना है। यहां पर हमने दो गांव निपटाए, आपने देख ही लिया, तो चलिए। तो दोस्तों आपने देखा अभी पूरा व्लॉग, और एंड तक व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आपने देखा होगा कि कोटद्वार से आज हम चले थे, फिर हम सतपुली आए, सतपुली में नाश्ता किया, उसके बाद सीधा हम लोहाड़ गांव चले गए थे, और उसके बाद अब वापस हम सतपुली चौहान लॉज में आ गए हैं। और अब करने जा रहा हूं मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड, तो मैं कर रहा हूं साथियों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ नए गांव में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।